वेलकम टू आयशा कुकिंग वर्ल्ड। आयशा कुकिंग वर्ल्ड में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शिकंजी मसाला रेसिपी, मैजिक शिकंजी मसाला रेसिपी। बिना नींबू, बिना चीनी, पुदीना अगर नहीं है तब भी, और बिना चाट मसाले के ये समर ड्रिंक आप बना सकते हैं मिनटों में सिर्फ एक मैजिक मसाले के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये मैजिक और इंटरेस्टिंग रेसिपी बनाना। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, फ्लेम अभी ऑन नहीं की है मैंने, डायरेक्ट ही पैन के अंदर ज़ीरा डालेंगे, उसके बाद फ्लेम ऑन करेंगे। 2 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है मैंने, अब फ्लेम भी ऑन कर लेते हैं और चलाते हुए ज़ीरे को लाइट ब्राउन होने तक ड्राई रोस्ट करेंगे। घी तेल कुछ नहीं ऐड किया है मैंने इसमें। ज़ीरा ऐड करने के बाद ही हम फ्लेम ऑन करेंगे। अगर पहले से पैन हाई टेम्परेचर होगा तो ज़ीरा बहुत जल्दी से जलने लगेगा, अंदर तक सिक नहीं पाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर की लेयर जो है उसकी वो जलने लगेगी, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी। अभी ये ज़ीरा भी लाइट ब्राउन हो गया है, एक प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। अब ये रोस्टेड जो ज़ीरा है वो भी रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। 2 टेबल स्पून ज़ीरा फिर से लेंगे हम। अब इस ज़ीरे को हम भुनेंगे नहीं, 2 टेबल स्पून ज़ीरा तो हमें भुना हुआ चाहिए था इसमें, और 2 टेबल स्पून ज़ीरा मैंने ये सादा लिया है। इसमें दोनों तरह के ज़ीरे की ज़रूरत होगी। 1 टेबल स्पून काली मिर्च भी ऐड कर देंगे इसमें। काली मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लें, तीखा पसंद हो तो ज़्यादा ले लें, अगर कम तीखा पसंद है तो थोड़ी सी कम ले लें। बहुत अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर देने के लिए 2 छोटी इलायची भी ऐड कर देंगे इसमें। बस 2 छोटी इलायची ऐड करेंगे हम इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है ये, तो बस 2 इलायची से ही ये पूरा मसाला बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाएगा। 1/2 टेबल स्पून जिंजर पाउडर भी ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून काला नमक भी ऐड कर देंगे। ये सारे ही मसाले इसमें मैं वो ऐड कर रही हूँ जो डाइजेशन को अच्छा करते हैं। अब काला नमक हमें कौन सा चाहिए इसमें, जो सादा पैकिंग में आता है या लूज़ आता है वो हमें काला नमक नहीं चाहिए इसके लिए, अच्छी ब्रांड का चाहिए इस टाइप का। या फिर आप ऐसा करें कि जो स्टोन वाला काला नमक आता है, मोटा साबुत वाला जो आता है, उसको ले लें और ग्राइंड कर लें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम मैंने ये सफ़ेद वाला नमक लिया है, जो सादा नॉर्मल हमारे घर में रहता है वही मैंने लिया है, और इस पाउडर में काले नमक से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, इसीलिए काला नमक मैंने ज़्यादा लिया है और सफ़ेद नमक कम लिया है। अब ये फ्रेश पुदीना पत्ती भी ऐड कर देंगे। पुदीना पत्ती को मैंने वॉश करके सुखाया नहीं है, बस पेपर में ऐसे ही पैक करके रख दिया था थोड़ी सी देर के लिए। इस टाइप की फ्रेश पत्ती को वॉश करके पेपर में रखने से क्या होगा कि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है या एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो पेपर में ही रिड्यूस हो जाएगा। इस तरह से आप वॉश करके पेपर में सेट करके रखेंगे तो लॉन्ग टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं। धूप में सुखाने से फ्लेवर भी चले जाते हैं और कलर भी डाउन हो जाता है। अभी 1 टेबल स्पून मैंने नींबू का पाउडर लिया है, लेमन पाउडर, जो सुपर स्टोर से पैकिंग में बहुत आसानी से मिल जाता है, कहीं से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये मार्केट में मिल जाता है, और ये मैंने घर पर ही पाउडर बनाया है, आप इसको घर पर भी बना सकते हैं। नींबू का पाउडर आप अपने ही घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं, होममेड लेमन पाउडर है ये मेरा, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। अब ये सारे ही मसालों को रोस्ट करने की ज़रूरत तो है नहीं, बस थोड़ा भुने हुए ज़ीरे की ज़रूरत थी फ्लेवर के लिए, वो चाहिए था हमें, वो हमने रोस्ट कर लिया, बाकी सारे मसालों को हम ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे। ये ग्राइंडिंग जार लिया है मैंने, सारे मसालों को ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और फाइन ग्राइंड कर लेंगे। मसालों को मैंने फाइन ग्राइंड कर लिया है, आपको चेक करके दिखाती हूँ। अगर आपको ये थोड़ा मोटा, थोड़ा दरदरा सा महसूस हो रहा है तो आप क्या करें, पाउडर को स्टेनर लगा करके छान लें। मुझे शिकंजी में थोड़ा दरदरा मसाला पसंद है, मैंने ऐसे ही रहने दिया है इसको, बस ऐसे ही मसाले को एक बड़ी प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये शुगर पाउडर लिया है मैंने, चीनी को ग्राइंडिंग जार में डालकर मैंने फाइन ग्राइंड कर लिया है, पाउडर बना लिया है इसका। अब पाउडर को लेना कितनी क्वांटिटी में है ये देख लेते हैं। अब हमें 1 गिलास शिकंजी बनानी है तो इसके लिए हमें मसाले की ज़रूरत होगी 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम, छोटी चम्मच अगर है तो 1/2 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून शुगर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 गिलास शिकंजी के लिए। ये परफेक्ट मेजरमेंट है, 1/2 टेबल स्पून मसाला और 2 टेबल स्पून शुगर पाउडर। ज़्यादा मीठा अगर आपको पसंद है तो उसके हिसाब से थोड़ा सा मीठा ज़्यादा डाल लें, और अगर तीखा आपको पसंद है तो थोड़ी सी मसाले की क्वांटिटी बढ़ा दें। अब मैंने ये 1/2 कप मसाला लिया है तो 2 कप शुगर पाउडर लिया है। अब स्पून से, कप से या बाउल से आप जिससे भी मेजरमेंट करना चाहें उससे इस तरीके से ही कर लें। मसाले को और शुगर पाउडर को मिक्स कर लेंगे और ग्राइंडिंग जार में फिर से डालेंगे इसे और ग्राइंड कर लेंगे।
जो थोड़ा मसाला दरदरा था वो और फाइन हो जाएगा। ये पाउडर और मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये शिकंजी मसाला हमारा रेडी है। शिकंजी या फिर कोई भी समर ड्रिंक आप इससे बना सकते हैं। बस जब भी आपको समर ड्रिंक बनानी हो या कोई भी शिकंजी वगैरह बनानी हो, 2.5 टेबल स्पून मसाले को चिल्ड वाटर के साथ मिक्स करें और सर्व करें। ये समर ड्रिंक बनाने के लिए आपको नींबू, शुगर पाउडर या पुदीना, चाट मसाला वगैरह कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ एक मैजिक मसाला लेना है। बस 2 से 3 टेबल स्पून मैजिक शिकंजी मसाले के साथ समर ड्रिंक इंजॉय करें। एक्स्ट्रा नींबू या पुदीना पत्ती वगैरह आप इसके साथ लेना चाहें तो वो ऐड कर लें। ये मैजिक शिकंजी मसाले को आप स्टोर भी कर सकते हैं। शुगर पाउडर की वजह से लॉन्ग टाइम तो स्टोर नहीं कर सकते, बट 1 से 2 महीने तक आप इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।